कैसे यूज़ करना है फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद लैटिट्यूड, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है कैपिटल आर, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 120 केजी बॉडी इफ इट इज़ टेकन टू अ हाइट ऑफ, बस मुझे ये बताओ कि शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करेंगे या नॉर्मल, अनॉर्मल करेंगे तो क्या करेंगे, जी डैश बाई जी आर स्क्वेयर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 9.8, आर की वैल्यू पुट करेंगे 6000 का स्क्वायर, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में 6000 प्लस एच की जगह 2000 का स्क्वायर, सॉल्व करके क्या आएगा, जी डैश, जी डैश आएगा, नया वेट क्या आएगा, एम जी डैश, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा। मैं अपना आंसर न्यूटन में निकाल रहा हूँ, वो के जी एफ में निकाल रहा है, ये मैं न्यूटन में निकाल लूँगा एम इंटू जी डैश। और मेथड समझ में आ रहा है फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, अब ये भी समझ में आ रहा है कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, करके देख लो चाहे दो मिनट, आंसर न्यूटन में क्या आ रहा है चेक कर लो, जी डैश निकाल लो। कितना 5 पॉइंट, देखो मेरे को मालूम नहीं है 67.5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करना, कुछ इतना आंसर आएगा। अच्छा जी डैश, अच्छा जी डैश कितना आ रहा है 5.5 के आसपास, ओके उसको 120 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक दो तक निकाल दो तो अच्छी बात है, ठीक है। मेथड समझ में आ रहा है ना कि क्या करना है, ठीक है आप इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करके आंसर निकालना। नेक्स्ट जो है, बॉडी जिसका मास m है इज रेज टू अ हाइट ऑफ h, और जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से h हाइट रेज कर दिया, लॉस इन वेट कितना होगा ये बताएं, मुझे ये बताएं फॉर्मूला कौन सा यूज करूं, एक्चुअल की शॉर्टकट वाला, शॉर्टकट वाला क्यों, क्योंकि वेरिएशन कैसे छोटी है उसने क्या कैसे पता लगा, क्योंकि उसने वैसे क्या यूज़ किया, अप्रोक्सीमेटली, वो भी तो अप्रोक्सीमेशन ही करी जा रहा है तो हम भी अप्रोक्सीमेशन ही कर देते हैं। तो यहाँ पर जी डैश की वैल्यू क्या है, जी 1 माइनस 2 एच बाय आर, और अगर m से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा जो वेट आएगा वो क्या आएगा, ये वेट आएगा, ये लो ये क्या आ गया, नया वेट आ गया, जो नया वेट है और जो पुराना वेट है इसको मल्टीप्लाई कर दो mg को, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, तो नया वेट पुराने वेट के साथ रिलेटेड है। मुझे क्या निकालना है, लॉस इन वेट, लॉस इन वेट क्या होता है, लॉस इन वेट है जो पहले वेट था mg, इसमें से नए वेट को माइनस कर दो, तो mg में से mg डैश माइनस कर दो, mg डैश क्या है, mg माइनस 2 एम जी एच बाय आर, इसे ओपन कर लो, एम जी माइनस एम जी प्लस 2 एम जी एच बाय आर, ये आंसर हो गया प्रूफ, दिख ही रहा है यहाँ से लॉस इन वेट निकलेगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला एम से मल्टीप्लाई ओपन कर लिया, चेंज इन यहाँ से कर लो, इसे मल्टी माइनस कर लो, ये लो लॉस इन वेट आ तो गया, माइनस साइन लॉस शो कर रहा है, ऐसे कर दो तो भी चलेगा कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको मीटर्स में गिवन है, एस्टिमेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस हाइट, और सरफेस पे 9.8 है, तो लगा लो हाइट का फॉर्मूला क्या लगाऊं, जी का फॉर्मूला क्या लगाऊं, अप्रॉक्सीमेट भाई, माउंट एवरेस्ट
कुछ भी नहीं है अर्थ इतनी हाइट पे थोड़ी ना है, यहाँ तो हज़ारों हाइट डिस्टेंस की बात हो रही है, माउंटेन तो अर्थ के ऊपर ही है, तो कुछ करना नहीं है इसमें, मत लगा देना लगा दोगे बड़ा फॉर्मूला गड़बड़ नहीं है, वो तो सही आंसर देगा ही देगा, छोटा लगा के आंसर आ जाएगा। तो निकाल लेना जी डैश की वैल्यू 9.81 - 2 * हाइट की जगह 8848 मीटर्स है, तो 6400 * 10³ निकाल लेना आंसर आएगा। सब ये तो अभी छोटी है, अभी तो कैलकुलेशन शुरू होनी है। अच्छा 6400 नहीं है, कितना है कुछ और है? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, 6.37 * 10⁶ फुट कर देगा। ये तो कैलकुलेशन छोटी है, इसके आगे वाले चैप्टर में तो मतलब अच्छी खासी कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि वैल्यूज ना काफ़ी बड़ी हैं और डिनोमिनेटर में है, तो करेंगे जब आएगा तब देखेंगे, बट समझ में आ रहा है करना क्या है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सारे आपके होमवर्क ही तो हैं, ये आपने ट्राई करने हैं। इसके बाद शीट नंबर 45 पे आए, शीट नंबर 45 डेप्थ वाली प्रॉब्लम्स हैं। इक्वेशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या करना है, आपको डेप्थ गिवन है, आपको एक्स गिवन है, आपको रेडियस गिवन है, आपको जी निकालना है। तो जी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही एक है, कुछ करना ही नहीं है, 9.81 - 610 किलोमीटर्स है, और आर की वैल्यू कितनी है 6400 निकाल लेना। यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कैलकुलेट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम हाफ ऑफ द वैल्यू ऑन द सरफेस। तो जी डैश को क्या पुट करेंगे डेप्थ वाले फॉर्मूले में, जी बाय टू एक्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि क्या निकालना है एक्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो गई 70%। तो लगा लो जी डैश का डेप्थ वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, और यहां पर 70g/100 इज जी 1 - x/r, तो निकाल लेना आर, एक्स की वैल्यू निकाल लो आंसर। कैसे फॉर्मूला लगाने बात समझ में आ रही है सबको, कुछ नहीं है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप लगाते जाएं आंसर आते जाएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये सब आप होमवर्क करेंगे, ट्राई करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, सेम वैल्यूज रिपीट ही हो रही हैं। 46 लैटिट्यूड वाली प्रॉब्लम, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस ऑफ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड वाला फॉर्मूला क्या है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, और लैम्डा कितना है 45। तो आपको जी डैश निकालना है, जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 9.8, और कैपिटल आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे 6.38 * 10⁴ * 10⁴, क्योंकि किलोमीटर है ना मीटर में कन्वर्ट किया, और ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे 2π/24 * 60 और 60। अब कर लेना सॉल्व इसको बैठ के आराम से, थोड़ी सी कैलकुलेशन अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, इरिटेटिंग कैलकुलेशन है इसकी, अभी और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी, डिनोमिनेटर में टर्म्स चलती हैं इसमें, मतलब क्वेश्चन आता भी होगा तो कभी कभी गड़बड़ भी हो सकती है, पर अच्छी बात यह है जो कॉम्पिटिशन के जो लोग हैं वो वैल्यूज के साथ क्वेश्चन कम देते हैं, अपनी ऑप्शन में r/4, 3r/4 ऐसा देते हैं, आप देखना PYQ जानबूझ के, क्योंकि पता है उन्हें भी कैलकुलेशन है, तो वो अपनी टर्म ही ऐसे बनाएंगे जिसमें वेरिएबल भी साथ में इन्वॉल्व होंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस, ठीक। पर चलो यहाँ तो प्रैक्टिस करनी करनी है, तो यहाँ से आंसर आएगा। नेक्स्ट ये ना जी है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई नहीं है, जी है, तो इसका आंसर क्या होगा बताएंगे, अगर अर्थ रोटेशन स्टॉप कर दे तो यानी कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो वो कह रहा है कि इस केस में इक्वेटर के ऊपर आप खड़े हुए हैं, आपको चेंज इन वैल्यू ऑफ जी क्या नजर आएगी, 0।
नहीं, पहली बात तो अगर इक्वेटर की बात हो रही है, अगर अर्थ घूम रही है तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी कितनी है बोलो, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0। तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अभी तो घूम रही है, इक्वेटर के ऊपर अगर वो स्टॉप हो जाती है तो वैल्यू ओमेगा 0 हो गया, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो गई, जी। सही है, तो फाइनल वैल्यू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इतनी है, इनिशियल वैल्यू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इतनी है, तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, फाइनल जी माइनस इनिशियल जी, तो फाइनल जी कितना है, जी इनिशियल कितना है, जी माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर। जब ओपन करेंगे तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आर ओमेगा स्क्वायर। अब आपको आर पता है, ओमेगा 2π/24 पता है, वहाँ से ऐसा निकाल। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या लॉजिक है इसका, तो ओमेगा को 0 पुट करके फाइनल जी निकाल लेना, इनिशियल तो जी जी आ जाएगा, इनिशियल तो पता ही है, लैम्डा को 0 पुट करके आंसर। कोई डाउट इसमें, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आपने ट्राई करने हैं, बिल्कुल सिंपल है, दो चार क्वेश्चंस हैं, एक बार ट्राई करके आपने करने हैं। इसके ऑब्जेक्टिव भी दे रहा हूँ इसी के फॉर्मेट पे, आप सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करके आएंगे।